नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज़। चलिए डालते हैं आज की खबरों पर। सिद्धार्थनगर जिले के बाशी कोतवाली क्षेत्र के करही शुगरौली के बीच बीती देर रात एक बदमाश से एसटीएफ गोरखपुर एसओजी टीम सिद्धार्थनगर व बाशी कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 50,000 के इनामिया बदमाश संजय उर्फ भेल्लर को पुलिस टीम ने पकड़ने में सफलता हासिल की। इस मुठभेड़ में दो पुलिस कर्मियों को भी गोली लगी है। घायल पुलिस कर्मियों में एक दरोगा जिसका नाम शशांक सिंह है, जो कोतवाली बासी में तैनात है, वह एक सिपाही जिसका नाम नसीरुद्दीन है, ये एसटीएफ गोरखपुर में तैनात है, को गोली हाथ में लगी है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधी को पकड़ने के प्रयास के दौरान मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ संजय उर्फ भेल्लर नाम का अपराधी पकड़ा गया है। अपराधी के पैर में गोली लगी है, साथ ही दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घायल पुलिसकर्मियों बदमाश का इलाज नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बासी में चल रहा है। सभी खतरे से बाहर है। जिस बदमाश से मुठभेड़ हुई है उसके खिलाफ 35 मुकदमे दर्ज हैं। ये जिले के विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमों में 13 में वांछित चल रहा है और 50,000 का इनामिया भी है। जनपद सिद्धार्थनगर कोतवाली बासी क्षेत्र के अंतर्गत सुकरौली गांव के पास आज रात एक संयुक्त टीम कोतवाली पुलिस बासी एसटीएफ गोरखपुर इकाई एवं एसओजी सिद्धार्थनगर के द्वारा एक सातिर अपराधी संजय उर्फ भुल्लर की गिरफ्तारी के प्रयास में मुठभेड़ हुआ, जिसमें संजय उर्फ भुल्लर के पैर में गोली लगी है। दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। संजय उर्फ भुल्लर और पुलिसकर्मियों को तत्काल बासी पीएससी कोतवाली एडमिट कराया गया, जिनका उपचार चल रहा है, खतरे से बाहर हैं। संजय उर्फ भुल्लर 35 से ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं, 50,000 का इनामी बदमाश है। उसके 13 मुकदमों से जनपद कोतवाली के जनपद सिद्धार्थनगर के विभिन्न थानों से बांछित चल रहा है।